just entered. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Let me share my PPT with you all. Students, today we are going to study about chi-square test. Can you see the PPT? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, students, so chi-square test हम लोग आज पढ़ेंगे. थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए. आपके टेस्ट ये आपके डिसर्टेशन में भी हो सकता है काम में आ जाए, नहीं भी काम में आए, इवन देन यू मस्ट नो अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट. जब आप रिसर्च का पेपर पढ़ रहे हैं, आपको फेमिलियर होना चाहिए कि आप कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उनका यूज कैसे होता है. एटलीस्ट इन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए. सो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टी टेस्ट के बारे में. टी टेस्ट क्या होता है, और उसके बाद फिर मैंने एक थोड़ा लाइट टॉपिक आप लोगों के लिए ले लिया, यूज ऑफ कंप्यूटर्स. एंड नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग विद दैट काई स्क्वायर टेस्ट. देखिए, वर्किंग मोड पर जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स हमारी दो पार्ट में बटी हुई है. ओके, सो उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव इज विवरणात्मक सांख्यिकी होती है हिंदी में, और इन्फेरेंशियल आई थिंक इट इज अनुमानिक सांख्यिकी. यही होती है स्टूडेंट्स, अनुमानिक सांख्यिकी. यस मैम. ओके, सो अनुमानिक सांख्यिकी मतलब सैंपल के आधार पर हम अपनी जो क्वालिटीज है, हम पूरी पॉपुलेशन को हम दे देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इन्फेरेंशियल सांख्यिकी. सो अब देखिए, ये अनुमानिक सांख्यिकी या इन्फेरेंशियल सांख्यिकी होती है, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो हम लास्ट की क्लास में पढ़ चुके हैं. पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, देखिए जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती है वो अजम्पशन पर बेस्ड होती है. मतलब हम कोई ना कोई ऐसी हमने अजम्पशन मानी होती है कि हाँ इतना ही ये एरिया इसमें स्टैटिस्टिक्स में कवर होगा. बट जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती है वो उसमें इतने कठोरता नहीं होती. और मतलब जिस तरह से हम अपने उसमें डेटा का कलेक्शन करते हैं वो उस तरह पैरामेट्रिक टेस्ट से भी, पैरामेट्रिक की तरह भी वो नहीं होता. अब देखिए, बात ये है कि अब हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना होता है हमारे टेस्ट का या हमारे आंकड़ों का, तो उसमें हम जितने भी जो मेथड्स हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं अपने पॉपुलेशन पर, सैंपल से आपने स्टडी की और उसको पॉपुलेशन पर आपने डाल दिया, तो हमारी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी ये चल पड़ी है. लेकिन अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेस्ट होते हैं जिसमें हम मतलब हम निष्कर्ष जो है हमारे पूरे उस पर पॉपुलेशन पर लागू नहीं होते. तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेटा का, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है, वो एक फ्री सॉर्ट ऑफ होता है. ठीक है, तो इसको हम जो कहते हैं अप्राचलिक तकनीक भी कह सकते हैं, या हम उसको नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक भी कह सकते हैं. तो अब ये जो हम टेस्ट आज पढ़ रहे हैं काइस पर, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ एक 20 क्लास में, बाकी के लोगों को भी आप मैसेज कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनकी क्लासेस को मिस ना किया करें. चलिए मान लीजिए कि हम आपको कुछ नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन फिर भी कम से कम क्लास लेने का कुछ ना कुछ तो रिकॉल रिकॉग्निशन में आपके जाएगा. सो मैसेज देम, इम्पोर्टेंट क्लासेस को मिस नहीं किया करें. सो अब मैं बात आपसे कर रही थी कि ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं जो कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती है, उसमें हम बहुत सारी टेस्ट लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स की जब हमने बात की थी, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ये काई स्क्वायर टेस्ट.
क्या है ये नॉन पैरामेट्रिक, याद कर लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि काई स्क्वायर किस प्रकार का टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या अप्राचलिक सांख्यिकी तकनीक है। इसके साथ साथ इसके और भी टेस्ट मैंने आपको बताए थे, जैसे मान विटनी यू परीक्षण था, देन इसके बाद रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, कॉन्टिजेंसी टेस्ट, फाई टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम काई स्क्वायर टेस्ट की डिटेल में, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, और इसकी सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जितने भी टेस्ट है जो कि मतलब सिग्निफिकेंस देखने के लिए लिया जाता है, और जितने भी स्टैटिस्टिशियंस ने इसको डेवलप किया। अब ये सबसे ज्यादा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें काई स्क्वायर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, सो इट वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1900 में कार्ल पियर्सन ने इसको एक्चुअली डेवलप किया, इसलिए यहाँ पर डेवलप शब्द लिखा हुआ है। डेवलप करने से पहले इसकी जो खोज की या इसके बारे में एक जो चर्चा की वो 1875 में ही हो गई थी, और 1875 में इसको किया था हेलमर्ट ने, HELMART। ओके, तो हेलमर्ट ने इसको 1875 में इसको इन्वेंट किया, और फिर उसके बाद 1900 में कार्ल पियर्सन ने इसको और डेवलप किया। अब देखिए काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, मैंने आपको बता दिया ये चीज, एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी अजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी वेरिएबल। ये किसी मान्यता पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर, वितरण पर, किसी चर के किसी वितरण पर आधारित नहीं होता कि इतने मार्क्स आए, कितने आए आपके, ये इस पर आधारित नहीं होता, जबकि ये इसका तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने से मतलब है। Then this statistical test follows a specific distribution known as chi-square distribution. एक इस प्रकार का distribution देखा जाता है जिससे chi-square distribution पता चलता है। So in general the test used to measure the difference between what is observed, मतलब देखा क्या गया है, and what is expected, मतलब क्या आपने expect किया था और क्या देखा है। According to an assumed hypothesis is called the chi-square test. आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि हम जितने भी टेस्ट कर रहे हैं वो हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात इस चीज को क्लियर कर लीजिए, हाइपोथेसिस हमारी शून्य परिकल्पना या सकारात्मक परिकल्पना, दो प्रकार की हमारी हो सकती है, और उनको हम टेस्ट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के टेस्ट देखते हैं। अब आज जो हम देख रहे हैं टेस्ट, उसमें काई स्क्वायर टेस्ट देख रहे हैं। अब इसमें हम क्या डिफरेंस देखते हैं कि जो आपके पास डेटा का डेटा जो निकल कर आया है, मतलब उसमें क्या देखा, ऑब्जर्व क्या किया, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड, आपकी जो हाइपोथेसिस के अनुसार आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और उसमें निकल कर क्या आया। आपने एक्सपेक्ट कुछ किया और निकल कर कुछ आया, लेकिन उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये हमको देखना है, ठीक है। आगे चलें, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसको थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। एक देखिए एक गैरेट की एक डेफिनेशन उसको समझ लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस मैं हिंदी में भी बोल दूंगी अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो। लिखना चाह रहे हैं क्या? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, क्या बोल रहे विष्णु जी? जो डेफिनेशन पढ़ी आपने उसकी पीपीटी सामने आई नहीं है, वहीं के वहीं रुक गई है। हाँ नहीं नहीं, मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी ऐड कर रही हूँ इसमें, पीपीटी तो यू नो कुछ सर्टेन रीजन से पीपीटी हमें लगानी पड़ती है। ओके, तो आप उस चीज को समझते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको दे रही हूँ, वो आप या तो नोट करते हुए चले जाइए। ओके ठीक है, मैं आप लिखना चाहते हैं गैरेट की डेफिनेशन? यस मैम। यस मैम। तो गैरेट ने 1985 में स्टूडेंट से एक डेफिनेशन दी थी, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलूंगी, पहले मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड
First they are squared and then divided. Squared and divided by the expected number in each case. And the sum of these quotient is chi square. I repeat, the difference between observed and expected frequencies are squared and divided by the expected number in each case, and the sum of these quotient is chi square. I hope बाकी के students ने भी लिख ही लिया होगा, because ये जो methodology of research का paper है, कभी कभी बहुत शुद्ध हिंदी में नहीं समझ में आता है, English थोड़ी सी चाहिए होती है. Then हिंदी में लिख लीजिए, जिस प्रेक्षित आवृत्तियों तथा प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर का वर्ग किया जाता है. प्रेक्षित आवृत्तियों दैट मींस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, प्रेक्षित आवृत्तियों तथा प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर का वर्ग किया जाता है. फिर प्रत्येक केस में प्रत्याशित संख्या या आवृत्ति से भाग दिया जाता है. फिर प्रत्येक केस में प्रत्याशित संख्या या आवृत्ति से भाग दिया जाता है. इस प्रकार से प्राप्त अनुपात का योग, देखिए अनुपात का योग है, ये रेशियो है. इस प्रकार से प्राप्त अनुपात का योग ही काई वर्ग या ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, जिसको हम काई स्क्वायर भी कहते हैं, लिख लीजिए. इस प्रकार से प्राप्त अनुपातों का योग ही काई स्क्वायर है. आगे चलें स्टूडेंट्स. यस मैम. ओके, तो देखिए समझने वाली चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि दिस टेस्ट इनेबल्स अस टू सी हाउ वेल डज द अज्यूम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अज्यूम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने जो हाइपोथेसिस मानी है वो कितना फिट होता है जो डेटा आपके पास ऑब्जर्व्ड किया हुआ आया है, उसका डिफरेंस आपको देखना है. मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसीज आई है, काई परीक्षण जब आप करते हो तो फ्रीक्वेंसी के मध्य अंतर की सार्थकता का परीक्षण होता है कि कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में. देखिए आवृत्तियों का अंतर, अगर जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका अंतर शून्य होता है तो काई वर्ग का मान शून्य हो जाता है. ये नोट कर लीजिए, अगर आवृत्तियों का अंतर शून्य होने पर काई वर्ग का मान शून्य हो जाता है. कौन सी आवृत्तियां? ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दोनों. लेकिन अगर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का अधिक अंतर होने पर काई वर्ग का मान बढ़ जाता है. So, काई स्क्वायर को अगर आपको सिग्निफिकेंटली ज्ञात करना है तो जो आपकी आवृत्तियां आ रही हैं उसी से ही आप एक्सपेक्टेड अनुमानित आप आवृत्तियां ज्ञात करते हैं. ठीक है. सो देखिए अब सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर्मूला फॉर गुडनेस ऑफ फिट. मतलब कितना आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कितने अच्छे तरह से देख पाते हैं, ये उसका फॉर्मूला है. काई स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई. इसके लंबे चौड़े फॉर्मूला भी दूसरी और भी दे रखे होंगे, बट गुडनेस ऑफ फिट जानने के लिए ये एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए. वेयर ओ मीन्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ओ और ई किस तरह से निकाला जाता है ये भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम इसके बारे में. देखिए अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम देन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड अदरवाइज एक्सेप्टेड. हम यहाँ पर हाइपोथेसिस, जो हमने परिकल्पनाएं बनाई हैं, हम उन्हीं को ही रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए इस टेस्ट को हम देख रहे हैं.
अब आप ध्यान रखिए इस चीज में, यहाँ पर कोई हमारा मीन है, नहीं है जिसके हम जिसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख रहे हैं. मीन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए हमने टी टेस्ट लगाया था, जो कि अगर 30 तक का सैंपल हो तो उसपे हम देखते हैं. लेकिन काई स्क्वायर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और इस टेस्ट को अगर हमें देखना है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, इसको इस तरह से समझ लीजिए, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों को आपने 5 सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हैं. अब मार्क्स किसी के 20 है, किसी के 25 है, किसी के 75 है, किसी के 80, अलग अलग मार्क्स सबके हैं, ठीक है. अब आपके पास दो ग्रुप है, एक मेल हो सकते हैं, एक फीमेल हो सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स और नॉट, समझ में आ रही है? यस मैम. यस मैम. मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. मान लीजिए अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं मेल्स की अलग और फीमेल्स की अलग. हिंदी की आपने निकाल ली कि इतने बच्चों के 15 बच्चों के आपके आए हैं 56 मार्क्स, और इंग्लिश की निकाल ली आपने फीमेल की कि 10 बच्चों के आए हैं 15 या 16, कितने भी. एक अज्यूम मैम आपको वैसे एग्जांपल के तौर पर दे रही हूँ, आप एक खुद की क्रिएट करके भी आप बना सकते हो, इसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है. तो हमने जब ग्रुप्स के बीच में देखा कि आपके पास कोई सिग्निफिकेंट अंतर आ रहा है क्या, आपने जो ऑब्जर्व किया, आपने जो आवृत्तियां देखी, आपने पहले से सोच लिया था कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के इंग्लिश और हिंदी में मार्क्स अच्छे आएंगे, उनके 75 और 80 के बीच में आएंगे, ये मैंने सोच लिया था, मतलब एक्सपेक्टेड था मेरा. लेकिन ये निकालते कैसे हैं, दिस इज डिफरेंट. लेकिन एक मैंने माना था, उसके आधार पर मैंने एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया था. लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे हिंदी और इंग्लिश के बच्चों के जो मार्क्स आकर रुक गए हैं वो 60 और 65 के बीच में रुक गए हैं. तो अंतर हुआ या नहीं हुआ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में? हुआ ना? हुआ है. हुआ है. तो हुआ तो कितना हुआ है ये हमको बताएगा काई स्क्वायर टेस्ट. क्लियर? इतना क्लियर तो आगे बढ़ेंगे. यस मैम. देखो मैंने एक्सपेक्ट कर रही कि आपको आज एक ही क्लास में काई स्क्वायर की पूरी सारी रामायण समझ में आ जाए, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ऐसा. लेकिन कम से कम एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही दिमाग में चला जाए, एक ये परिचित सा लगे आपको कि काई स्क्वायर, हाँ हमारी थोड़ी सी दोस्ती है इससे. कम से कम इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ी दोस्ती कर लीजिए आज, फिर बातचीत थोड़ी ज्यादा करिएगा इससे, ठीक है. तो एकदम से तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही, और अपने दिमाग को भी ज्यादा लोड मत दीजिए प्लीज कि अरे मैडम ने आज क्या आप पढ़ा रहे हैं या क्या है. थोड़ा सा टेस्टिंग में कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, बट इतनी भी नहीं होती जितना हम मान के बैठ जाते हैं, ठीक है. सो अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम काई स्क्वायर की हम देखते हैं. आपकी मैम क्लास जो है वो 9-10 पर होती है, ये बदल क्यों जाती है बीच बीच में, 9-10 पर भी क्यों नहीं होती? विष्णु जी आप अगर अपनी क्लास का टाइम टेबल देखेंगे तो वो ना हमें, मेरी क्लास सिर्फ एमएड में ही थोड़ी ना होती है, टीचर तो एक ही है, डॉक्टर सोनिया कौर बंसल तो एक ही है, उनको बीएड में भी पढ़ाना है. दूसरे टीचर्स के टाइम टेबल से अगर हमारा क्लास करेगा पीरियड तो मेरा टाइम डेफिनेटली चेंज होगा, है ना? ये बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम टेबल फॉर्मेशन में बनाने में वो काम में आती हैं. चलिए इम्पोर्टेंट चीजें आप ध्यान रख लीजिए बिल्कुल अच्छे से. पहली बार दिस टेस्ट एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ये कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, हिंदी में क्या कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक को? अरे सो गए क्या सब? अप्रांचल सांख्यिकी या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. हाँ यस मैम. ये देखिए एंड इट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्तियों पर निर्भर करता है, ठीक है, और एंड नॉट ऑन पैरामीटर्स लाइक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, ठीक है. जिन टेस्ट में हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं वो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, जिन टेस्ट में हम
मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देखते, वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं. This test is used to testing the hypothesis and is not useful for estimation. अनुमान नहीं लगाया जाता है इसमें, लेकिन एक अवधारणा की जाती है और उसके आधार पर फिर हम हाइपोथेसिस को मानते हैं, हाइपोथेसिस को लेकर चलते हैं. इसका एक और चलो आपको उदाहरण देती हूँ मैं कि चलो जैसे आप मान लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझते हैं आप लोग, means the public transport. No ma'am. बस वसें चलती हैं जो आवागमन के जो साधन होते हैं. साधन आवागमन के जो साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बस है, ट्रेन है, एक से एरोप्लेन है, बस ट्रेन, तीसरा एरोप्लेन, एरोप्लेन और ये रेल वाहन, रिक्शा, साइकिल तो नहीं, चलो हम कुछ भी और भी जितने भी है हमारे ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल है, ये सारी चीजें क्या आवागमन के साधन है कि नहीं है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, ये आवागमन के साधन. अब मैं अब अगर एक हाइपोथेसिस में बना लूं, एक हाइपोथेसिस बना लूं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में जो आवागमन के साधन है उनसे कम जाना पसंद होता है और पर्सनल ज्यादा पसंद होता है, मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से हाइपोथेसिस एक बना सकते हैं. अब देखना क्या है हमको देखना ये है कि महिलाओं में कितने, एक तो सैंपल हम पहले चूज करेंगे अपना, कौन से पॉपुलेशन पे मैं ये करना चाहूंगी अपना रिसर्च, और फिर उसके बाद मैं अपना सैंपल चूज करने के बाद मैं अपना उसके ऊपर मैं ये सर्वे कर सकती हूँ. सर्वे जब मैंने किया तो मैंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने अगर 300 मान लो महिलाएं ले ली, 300 पुरुष ले लिए, 300 महिलाओं में से मेरे निकल कर आया बस और ट्रेन, मैं ये दो ही आवागमन के साधन ले रही हूँ, कि 300 में से 250 महिलाओं को बस से आना जाना पसंद है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 250. ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 250. और जो पुरुष है उनमें 280 फ्रीक्वेंसी आई बस की. ठीक है, अब बात यह है कि ये जो 250 आई फ्रीक्वेंसी और 280 आई, इनमें कितना सिग्निफिकेंस है, या इसको हम इस तरह से देखेंगे कि जो मैंने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी उसको एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, तो इसको देखने के लिए काई स्क्वायर इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू अ कॉम्प्लेक्स कॉन्टिजेंसी टेबल. कॉम्प्लेक्स कॉन्टिजेंसी टेबल विद सेवरल क्लासेस एज सच इज वेरी यूजफुल टेस्ट इन रिसर्च वर्क. कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होती है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए. कॉन्टिजेंसी टेबल में आप सभी ग्रुप के जितने भी कच्चे आंकड़े आए हैं, जितने भी आपके पास रॉ स्कोर आया है, उसको आप बहुत अच्छे तरह से डिफाइन कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह से सारी टेबल में रख देते हैं. आपको अलग अलग क्लासेस के सारे स्कोर्स आपको मिल जाते हैं जो कि हमारे रिसर्च के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, और उसी के आधार पर हम का स्कोर निकालते हैं. सो दिस टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एज नो रिजिड अजम्पशंस आर नेसेसरी टू रिगार्ड टू द टाइप ऑफ पॉपुलेशन. हम इतने कठोरता लिए हुए नहीं होते हैं इसमें, कोई ऐसी हमारी वैल्यूज हमारे पास नहीं होती है, हम इसमें मैथमेटिकली इतने नहीं चलते हैं जितना हम बाकी पैरामेट्रिक टेस्ट में चलते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम आवृत्तियों की बात करते हैं कि आवृत्तियां जो है उनमें कितना अंतर है या अंतर की सार्थकता कितनी है. समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. ये अभी जो विष्णु जी ने एक बात की, वीडियो ऑन स्टूडेंट्स, सो जस्ट नाउ अभी जिससे बात की विष्णु जी ने कि मैम मैं हमारी क्लास क्यों 9-10 पे नहीं होती है या 9-10 पे हम चाहते हैं. सो देयर आर मेनी मेनी स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डिमांडिंग दैट क्लास शुड बी बाय 9-10. अब हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स में से 5 चाह रहे हैं कि क्लास जो हो
वो कभी भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 20 में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे चाह रहे हैं या 15 ऐसे चाह रहे हैं कि क्लास 9:10 पर ही हमारी स्टार्ट हो। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी आई, फ्रीक्वेंसी चाहने वालों की और ना चाहने वालों की 5 और 15। अब ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें क्या कौन बताएगा? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, सो इसमें रिजिडिटी नहीं होती और पैरामेट्रिक वैल्यूज की जरूरत, जो कि मीन मीडियन हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब की बात नहीं होती, लेस मैथमेटिकल है। और इसमें ये सारी डिटेल्स जो हमारी जो कच्चे आंकड़े कॉन्टीजेंसी टेबल में होती है, वो सबके सब हमारी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अभी इतना समझ में आया तो आगे चले, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ, थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यस मैम, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ अ काई स्क्वायर टेस्ट कहां कैसे यूज किया जा सकता है? गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो आवृत्तियों का वितरण है उनकी सार्थकता कितनी है, वो कितने अच्छे से वितरित हो पा रही है, ये देखने के लिए। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब ये है, आप देखिए इसको, मतलब ये हमारी एक प्रकार की परिकल्पना है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने अपनी अनुमानित जो आवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए परिकल्पनाओं की मदद ली है। ठीक है, आप तीन प्रकार लिख लीजिए उसमें, सबसे पहला समान वितरण की परिकल्पना। समान वितरण मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकेंड हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य वितरण की परिकल्पना। देन थर्ड हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्वतंत्र वितरण की परिकल्पना। स्वतंत्र वितरण की परिकल्पना, मैं रिपीट करती हूँ, काई स्क्वायर द्वारा सार्थकता ज्ञात करने के लिए जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उससे अनुमानित आवृत्तियां ज्ञात की जाती हैं। ठीक है, तो अनुमानित आवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए हमारे तीन प्रकार की परिकल्पनाओं की हम मदद लेते हैं, जो कि हम कह रहे हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है काई स्क्वायर का। तो सबसे पहला होता है समान वितरण की परिकल्पना, दूसरा होता है सामान्य वितरण की परिकल्पना, तीसरा होता है स्वतंत्र वितरण की परिकल्पना। अब देखिए कुछ चीज आप ध्यान रखिए, मैं जो दो तीन बातें लिखा रही हूँ आपको वो लिख लीजिए। काई स्क्वायर का जो मान होता है वो सदैव सदैव पॉजिटिव होता है, ये नेट में भी आता है क्वेश्चन, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। दूसरी चीज है जो काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब संभाव्यता बंटन हो जिसको हम कह सकते हैं, जो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डीएफ पर निर्भर करता है। रिपीट करती हूँ, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो केवल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या डीएफ पर निर्भर करता है। मैम रिपीट करेंगे एक बार और। मैंने दो पॉइंट्स आपको लिखाए हैं, पहला काई स्क्वायर का जो मान होता है सदैव पॉजिटिव होता है, दूसरी चीज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और केवल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डीएफ स्वतंत्र कोटि, इसको शायद हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र कोटि पर निर्भर करता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, प्लीज इसी को याद रखिए आप, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करता है। ठीक है, लिख लिया। नाउ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, आप कैसे एट्रीब्यूट्स को स्वतंत्रता के आधार पर देख रहे हैं? देखिए ये टेस्ट जो है हमको एक्सप्लेन करता है कि जितने भी गुण आपने लिए वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं हुए। सुंदर, कुरूप, काला, सफेद, कुछ ऐसे गुण जो है हम जिनका टेस्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि कितनी निकल कर आए, तो हम उसमें
मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब समझिए कि जो वेरिएबल्स आपने लिए वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे, वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना प्रभाव रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए किस प्रकार हैं, ये भी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, वी मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर अ न्यू मेडिसिन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग फीवर और नॉट, पाई स्क्वायर टेस्ट इज यूजफुल। अब भाई एक नई दवाई आई है बाजार में, उसको हमें देखना है कि वो फीवर कंट्रोल करने में वो सहायक है या नहीं, कितनी प्रभावकारी है या नहीं, तो इसके लिए हमें आवृत्तियां चाहिए कि कितने लोगों के ठीक हो गए भाई बुखार, ये बताओ हमें जरा। समझ में आ रही है बात कि नहीं समता? यस मैम आ रही है। हाँ, तो इसको मतलब हमें लोगों का हमें डेटा चाहिए। अब डेटा में मैं कुछ महिलाएं भी ले सकती हूँ, पुरुष भी ले सकती हूँ, बच्चे भी ले सकती हूँ, वृद्ध भी ले सकती हूँ, एक सैंपल में डिसाइड करके ले सकती हूँ, लेकिन ये कितनी इफेक्टिव है फीवर कंट्रोल करने के लिए, मुझे इसमें कोई, मुझे ऐसा कोई दो ग्रुप के बीच में सार्थक अंतर नहीं निकालना, मुझे तो ये देखना है कि मेडिसिन कितना कंट्रोलिंग है या नहीं है बुखार को कंट्रोल करने के लिए। तो इस परिस्थिति में जब हमारा ये जो फीवर या हमारा ये मेडिसिन जो है हमारी स्वतंत्र रूप से काम करती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको महिला या पुरुष का जो चर है वो प्रभावित नहीं कर रहा, वो तो अपने गुण लेकर अपने ही हिसाब से मेडिसिन अपना काम कर रही है। आ रही है ना बात समझ में कि पैरासिटामोल अगर चाहे बुखार मेल को हो चाहे फीमेल को हो, दोनों ही लेते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव है या नहीं मेडिसिन, इसकी रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन वी प्रोसीड विद द नल हाइपोथेसिस दैट टू एट्रीब्यूट्स, हम नल हाइपोथेसिस से चलते हैं, जैसे कि नई मेडिसिन और कंट्रोल ऑफ फीवर आर इंडिपेंडेंट, विच मींस दैट न्यू मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग फीवर। जब हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, शून्य परिकल्पना बनाएंगे, तो उसकी तो भाषा ऐसी ही होगी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन न्यू मेडिसिन एंड इफेक्ट इन न्यू मेडिसिन एंड कंट्रोल ऑफ फीवर। ठीक है, लेकिन जब हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेड हो गई थी, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया, इन दोनों के बीच में अंतर निकालने के लिए हमारे पास काई स्क्वायर है। सो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, एक तो आपने आपके गणना में क्या आया, एक आपने टेबल में रखा, ये दोनों में अंतर है। अगर ग्रेटर है, कैलकुलेटेड जो है वो आपकी ग्रेटर है मतलब बड़ी है, जो आपने टेबल में रखा, एट अ सर्टन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर गिवन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती। देखो एक बहुत ही बिल्कुल ही एक बहुत ही सुंदर सा अंतर समझ लीजिए कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आपकी नल हाइपोथेसिस जो कि शून्य परिकल्पना है, जो कि आपने ये समझ लिया है कि दो वस्तुओं के बीच में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब आपकी सकारात्मक परिकल्पना की दो वस्तुओं के बीच में अंतर है वो स्वीकृत भी हो गई है, अगर ये रिजेक्ट हो गई है तो। ठीक है, इसको थोड़ा और ध्यान से समझिएगा बैठ के। देन द नल That is two variables are independent. The new medicine is effective in controlling the fever. And if chi square is calculated less than, अगर हमारा chi square जो हमने calculate किया है वो कम है, जो हमारी tabulated था हमारे पास जो आया है पहले से, हमने chi square जब calculate किया तो वो जब कम है तो null hypothesis हमारी accept हो जाती है। इसका मतलब मेडिसिन वाकई में वो रिजेक्ट हो गई, हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि अब वो मान लिया हमने कि वो मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है बुखार को कंट्रोल करने में, क्योंकि यही तो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, तो हमारी वो एक्सेप्ट हो गई। बट मेडिसिन हमारी तब इफेक्टिव होगी जब हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, when null hypothesis is rejected, it can be concluded that there is a significant association between two attributes. Do gun, kaun se do gun? Kaun si do baatein?
एक तो मेडिसिन और दूसरा कंट्रोल ऑफ फीवर, दोनों के बीच में जुड़ाव है। ओके स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। देखिए, ये आपका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, मैं बता चुकी हूँ। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मीन्स ओ ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इफ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व्ड एंड थियोरिटिकल आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब बिल्कुल सेम होती हैं, काई स्क्वायर जीरो, बट जनरली ड्यू टू सैम्पलिंग एरर भी होती है, काई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर वो नहीं आता है। अब देखिए स्टेप्स जो इन्वॉल्व है इसको कैलकुलेट करने में, काई स्क्वायर को थोड़ा सा इसको देखिए, आप समझिए। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ ई भी इसको कहते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एफ ओ भी कहते हैं, एफ ई एफ ओ। सो एफ ई जब हम करते हैं तो सेल फ्रीक्वेंसी दैट वुड बी एक्सपेक्टेड इन अ कॉन्टिजेंसी टेबल If the two variables were statistically independent, observe जो हमारी निरीक्षित आवृत्तियां हैं, उनमें cell frequency actually observed in a contingency table, मैंने आपको बताई जो raw score की table होती है, तो फिर हम उसका FE निकालने के लिए, FE जो expected value निकालने के लिए, देखिए आप क्या करेंगे, आप column का total करेंगे, row जो आपकी row दी हुई है Excel की sheet में उसका total करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे पूरे सैंपल की संख्या से। दैट्स इट। कॉलम में पूरी कितनी है, रो में कितनी है, इससे आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी